आज तारीख हो चुकी है 24 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी बेल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर कल हुए बीसीसीआई के अवार्ड फंक्शन को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने यहाँ पर अवार्ड फंक्शन किया था जहाँ पर पिछले 2 सालों के सभी यहाँ पर अच्छे परफॉर्मर यहाँ पर क्रिकेटर्स को बीसीसीआई ने अवार्ड दिए थे। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर बेस्ट डेब्यू के रूप में जायसवाल को अवार्ड मिला था और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के रूप में मोहम्मद शमी को यहाँ पर अवार्ड मिला था। इसके साथ ही बेस्ट रणजी प्लेयर के तौर पर यहाँ पर सरफराज खान को अवार्ड मिला था। और यहाँ पर सभी प्लेयर्स को जिन प्लेयर्स को यहाँ पर अवार्ड मिले थे वो कंप्लीट लिस्ट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी। तकरीबन 50 से 60 यहाँ पर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वो सारी लिस्ट हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आप वो कंप्लीट लिस्ट वहां पर देख पाए। इसके साथ ही यहाँ पर 2 घंटे ये प्रोग्राम चला था वो भी कंप्लीट हमने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर WPL के यहाँ पर शेड्यूल को लेकर। दरअसल फाइनली यहाँ पर लंबे इंतजार के बाद अब WPL का यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर 23 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होना है। 23 फरवरी से बेंगलुरु में इस टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 17 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलेगा। आधे मुकाबले बेंगलुरु में होंगे जबकि आधे मुकाबले यहाँ पर दिल्ली में होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का शेड्यूल है। तो आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीट शेड्यूल देख पा रहे होंगे। शेड्यूल का यहाँ पर PDF वर्जन जो कि HD में हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि वहां पर आप ये शेड्यूल देख पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आगे WPL के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब जल्द ही WPL शुरू होने वाला, तो आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है IPL के शेड्यूल को लेकर। दरअसल मोस्ट लाइकली शायद इस साल IPL का शेड्यूल हमें 2 टुकड़ों में यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर 22 मार्च से लेकर यहां पर 20 अप्रैल का हमें पहला शेड्यूल देखने को मिलेगा। 20 अप्रैल तक भारत में जनरल इलेक्शन होंगे, तो 20 अप्रैल तक यहाँ पर भारत सरकार की मंजूरी से शेड्यूल यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। और 20 अप्रैल के बाद यहाँ पर 26 मई तक का एक अलग यहाँ पर शेड्यूल रखा जाएगा। वो शेड्यूल तो यहाँ पर BCCI अपनी मर्जी से यहाँ पर रिलीज करेगा। तो 2 यहाँ पर शेड्यूल है हमें शायद इस IPL के देखने को मिलेंगे। पहला शेड्यूल यहाँ पर 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल का हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है 3-4 दिनों का गैप और यहाँ पर 24-25 अप्रैल से फिर यहाँ पर IPL का शेड्यूल IPL यहाँ पर शुरू हो जाए, जो कि 26 मई तक यहाँ पर चलता हुआ रहे। इस प्रकार से यहाँ पर मोस्ट लाइकली शेड्यूल रहेगा। तो अब जल्दी वो शेड्यूल भी आने वाला है। WPL का शेड्यूल तो आ चुका है, IPL का शेड्यूल भी आने वाला है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर IPL का शेड्यूल भी हम अपडेट करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई इंडियंस की तरफ से यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ये क्लेम कर रहे कि मुंबई इंडियंस के कैंप में यहाँ पर युजवेंद्र चहल कल नजर आए थे। मुंबई के कैंप में ये गेंदबाजी कर रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फोटोज भी देख पा रहे होंगे, हालांकि ब्लू जर्सी में तो ये नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं है कि ये मुंबई का कैंप है या फिर किसी और टीम का कैंप है। लेकिन चहल कुल मिलाकर इस प्रकार से कल नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार यहाँ पर इस प्रकार की खबरें फैल रही है कि मुंबई के कैंप में ये कल नजर आए थे, मुंबई में शायद ये ट्रेड हो सकते हैं। इस प्रकार की खबरें यहाँ पर काफी अधिक फैल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी अपडेट यहाँ पर दोनों टीमों की तरफ से, ना ही मुंबई, ना ही राजस्थान, ना ही चहल की तरफ से कुछ भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने भी यही तस्वीरें देखी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आते होती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई के यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव गेंदबाज दीपक चहर अब फाइनली फिट हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये फिट हो चुके और IPL की ये भी तैयारियों में लग चुके हैं। MS धोनी तो IPL की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अब दीपक चहर भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो चेन्नई अब IPL की तैयारियों में लग चुकी है। चेन्नई के यहाँ पर स्टार प्लेयर्स अब IPL की यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आप आखिर IPL 2024 के एडिशन के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम नारायण जगदीशन को यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर या फिर बैकअप के तौर पर अपनी टीम में देख रही है। नारायण जगदीशन दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में नजर आए थे। इस ऑक्शन में नारायण जगदीशन अनसोल्ड थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। जगदीशन को दिल्ली कैपिटल्स की टीम देख रही। हो सकता है पंत केवल यहाँ पर बल्लेबाज के तौर पर हमें IPL में खेलते हुए देखे, विकेट कीपिंग शायद वो करते हुए ना देखे, तो इस वजह से जगदीशन को शायद ये टीम देख रही हो। विकेट कीपिंग ज्यादा विकल्प
दिल्ली कैपिटल्स के पास नहीं, इस वजह से जगदीशन को ये टीम देख रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या जगदीशन को लेने वाला दिल्ली कैपिटल्स का सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत इंग्लैंड के यहाँ पर पहले टेस्ट मुकाबले को लेकर। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला में कल से यहाँ पर हैदराबाद से लाइव देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस मुकाबले का पहला सेशन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा जो कि 11:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सेशन 12:10 से लेकर यहाँ पर 2:10 तक हमें देखने को मिलेगा और तीसरा सेशन 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक हमें चलता हुआ दिखेगा। एक दिन में निर्धारित 90 ओवर होंगे और भारतीय टीम की जो पहले मुकाबले में यहाँ पर मोस्टली प्लेइंग 11 रहेगी वहाँ पर रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर शुभमन गिल यहाँ पर खेलेंगे और नंबर 4 पर शायद केएल राहुल दिखे। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर केएस भारत, नंबर 8 पर अश्विन, उसके बाद यहाँ पर अक्षर पटेल, इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस प्रकार से शायद मोस्ट लाइकली टीम इंडिया की यहाँ पर प्लेइंग 11 रहेगी। तो मोस्टली इसी प्लेइंग 11 से हमें टीम इंडिया यहाँ पर कल से पहला टेस्ट मुकाबला खेलती हुई दिखेगी। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है उसके ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। दरअसल ग्लेन मैक्सवेल अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में करेंटली एडमिट है, जहाँ पर नशे की हालत में एडिलेड में सड़कों पर यहाँ पर पाए गए थे। कुछ लोगों ने इनको हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट कराया था, अननोन लोगों ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जाँच कर रहे कि आखिर मैक्सवेल किस वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल में थे, क्या यहाँ पर आखिर वैलिड रीजन रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट तो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शायद इनको यहाँ पर इस साल आईपीएल खेलने की अनुमति भी ना दे अगर यहाँ पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये पता चलता है कि ये नशे में थे और जांच में यहाँ पर ये नशे में पाए जाते तो इनको शायद 6 महीने तक बैन कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप आईपीएल सब कुछ मिस कर सकते हैं। तो जल्द ही अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपडेट देखने को मिलेगा, जो भी अपडेट रहेगा आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी वजह से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अगर मैक्सवेल पर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।